धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज माननीय विद्वान सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और आज दिन भी महत्वपूर्ण है और माननीय सदस्य का दृष्टिकोण भी मुझे लगता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है भीमराव अम्बेडकर जी का और उन्होंने संविधान में ये विषय रखा भी था और बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये विषय आया कि हम सबको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना भी चाहिए, उसकी बढ़ोतरी भी करनी चाहिए। जो मंत्रालय की स्कीम है उसके तहत आपने जिक्र किया 5 लाख की सिटी तक, 5 लाख से 10 लाख की सिटी, 15 लाख की सिटी और 15 लाख से ऊपर की सिटीज के लिए साइंस सेंटर, इनोवेशन हब, साइंस सिटीज और इसके लिए स्कीम है। आपने मूलतः पूछा हजारीबाग के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से कि अभी 29 सितंबर 2021 को CSIR एंड NCSM के बीच में एक MOU हुआ जिसमें 37 जगह पे साइंस सेंटर और स्थापित किए जाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। उसमें धनबाद और जमशेदपुर है झारखंड का, लेकिन हजारीबाग के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट से प्रस्ताव आएगा तब हम मंजूर कर पाएंगे। मैं सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जो आप लोगों ने स्कीम तैयार की है उसमें राशि सिर्फ राज्य सरकार से आपने कहा है दी जा सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में कई सारी केंद्र संस्थाएं हैं, NTPC है, CCL है, उनके द्वारा अगर CSR मिल सकता है तो उसको क्यों ना हम लोग 40% के लिए उसका उपयोग करें, 60% केंद्र सरकार से मिल जाए और फिर हम लोग अपने हजारीबाग रामगढ़ क्षेत्र में भी हम लोग इस प्रकार का सेंटर हम लोग बना सकते हैं। माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही भारत सरकार मंजूर करती है। जहां तक CSR फंड का सवाल है जो माननीय सदस्य ने पूछा है, CSR फंड भी स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। स्टेट गवर्नमेंट से प्रस्ताव आने पर ही मंजूर करने की हमारे यहाँ परंपरा है और व्यवस्था है।